हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कॉमन टेंजेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉमन टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आपको जेई में शॉर्ट शॉर्ट मिलना ही मिलना है, और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट के आए हैं एडवांस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस और एडवांस दोनों के लिए। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप कॉमन टेंजेंट चुटकी बजाते ही निकाल देंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट निकालनी है हमें दो कर्व के बीच में। अब वो दो कर्व कोई भी हो सकते हैं, दो सर्कल हो सकते हैं, दो पैराबोला हो सकते हैं, एक पैराबोला एक सर्कल हो सकता है, एक पैराबोला एक हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी दो, कोई से भी दो कर्व हो सकते हैं, इलिप्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी कॉमन टेंजेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं ये हमें समझना है। सबसे पहले समझते हैं कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लो आपके पास कोई दो कर्व है लाइक दिस और एक कर्व है मैंने मान ली, तो सबसे पहली बार जब कॉमन टेंजेंट निकालते हैं तो हमें ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों पर टच होती भी जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनरली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने लग जाते हैं। भाई जब हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो सबसे पहली बात हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कॉमन टेंजेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो हमें करना क्या है, इसके लिए बहुत सारे एजम्पशन होते हैं कि भाई इसकी टेंजेंट लिख दो, इसकी टेंजेंट लिख दो, दोनों को कंपेयर करो। इससे भी ये हो जाता है इससे, बट बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत बार वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं, कंपेयर करने में परेशानी हो जाती है। कोऑर्डिनेट में जल्दी ये कहा जाता है कि हम जब भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करें तो हम लोग पहले ग्राफ बना लें। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना, अगर आप ग्राफ बना सकते हैं, आपको दिख रहा है ग्राफ कर्व ट्रेस हो जाएगा, उससे कुछ फायदा मिलेगा, तो आप कर्व ट्रेस जरूर करो। अगर कर्व ट्रेस नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, वैसे हम कर्व ट्रेस बहुत ईजिली कर सकते हैं, इसका पर कोई इशू नहीं है, ना उसका यूज है ना उससे कुछ फायदा होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं स्लोप फॉर्म। जब भी हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी होती है तो स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। इसकी अगर आपको याद हो स्लोप फॉर्म होती थी mx plus a by m, a कितना है 2, तो ये इस कर्व की टेंजेंट है इसकी पैराबोला की। बहुत शॉर्ट में करूंगा मैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, कम समय में आप ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो mx plus 2 by m होगी। अब ये वाली लाइन इस कर्व की भी टेंजेंट होनी चाहिए, ये वाली लाइन इस कर्व की भी टेंजेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, कर दिया जी। तो ये कितना आ गया, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जब ये वाली लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ऑब्वियस है टेंजेंट है तो टच कर रही है, मैंने वाली इस तरीके से टच कर रही होगी, तो इस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, दो ही रूट होंगे क्वाड्रेटिक है तो, बट दोनों रूट इक्वल होंगे, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना हो गया 4 अपॉन m² - 4m = 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, m³ आ गया हमारा बच्चों 1। जब m³1 आ गया तो m आ गया 1, और जब m 1 आ गया तो यहां पुट कर देंगे, तो इक्वेशन कितनी आ गई x+2। इतना सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता देता हूं मैं आपको, एक कर्व की टेंजेंट लिखिए, किसी भी कर्व की टेंजेंट लिख सकते हैं, चाहे इसी हमें पता हो चाहे इसकी पता हो, राइट। अगर नहीं पता तो निकाल सकते हैं हम लोग, ये कर्व की टेंजेंट लिख दी, उसको दूसरे में पुट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए y की वैल्यू को, जब y की एलिमिनेट करने की वैल्यू, तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बन गई क्वाड्रेटिक, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दीजिए, तो b² - 4ac = 0 कर दिया, और हमारे पास m आ गई, और इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपने मानी थी, हमारा आंसर, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं,
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस करा था पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दोनों ही हमारे पैराबोला हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी टेंजेंट जो है mx plus 1 by n, a by n होती है, a 1 है, ये क्या होनी चाहिए, इसकी भी टेंजेंट होनी चाहिए, तो y हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे क्या आएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4 mx plus 1 by n, तो कितना आ गया x स्क्वायर, कोई परेशानी, इसका d जीरो कर दोगे आप, इसका d जीरो करोगे तो क्या आएगा 16m स्क्वायर माइनस 4ac, 16 से 16 कट गया, n की वैल्यू माइनस 1। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको कर रहा हूं, देखिए कितना शॉर्ट मैंने कर दिया, अगर आप और बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत लंबा सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट। m माइनस 1 हो गया, m माइनस 1 फिर यहां पुट कर देंगे, ठीक है जी। एक और देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन का सही डेटा दे लेते हैं, डिस्कस की है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है।
बिलीव मानिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से कर लेते हैं तो जेई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको जरूर ट्राई करिए और मेरी पूरी गारंटी है क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। पॉइंट फॉर्म्स ले लेते हैं, टेंजेंट को कंपेयर करते तो आप फंसने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं आपको इस पे, और मुझे जरूर बताने कि क्वेश्चन आपसे हुए या नहीं हुए और आपको किस चीज की वीडियो की रिक्वायरमेंट है जेई से पहले मुझे प्लीज 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 जरूर बताइए जिसे मैं जल्दी से अपलोड कर सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।